आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जिस पल का यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के घोषित नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी। दोपहर बाद आए नतीजों में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी। उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कराते हुए प्रतिशत के मामले में लड़कों को पीछे छोड़ दिया। इंटरनेट और मोबाइल फोन से रिजल्ट जानने के बाद ज्यादातर छात्र छात्राएं टीचर्स का आशीर्वाद लेने के लिए स्कूल पहुंचे। वहीं पास हुए छात्रों ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। बता दें कि इंटरमीडिएट में बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर की अनन्या गुप्ता ने 93.4% अंक हासिल करके जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर भी इसी स्कूल की रितिका रही है। जिले में तीसरे स्थान पर सरस्वती शिशु मंदिर नागौरी गांव फलावदा की प्रियांशी रही है। वहीं स्कूली स्तर पर कनिका शर्मा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उधर हाई स्कूल की परीक्षा परिणामों में देहात का दबदबा रहा, जिसमें परतापुर कंचनपुर घोपला गांव के SDS इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा रूपाली ने जिले में टॉप किया है। उसकी इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। रूपाली ने बताया कि वो IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। उधर इंटरमीडिएट का परिणाम आते ही मवाना में छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। फलावदा के गांव नागौरी की सावित्री सोनी विद्या मंदिर में पढ़ने वाली 12वीं की कक्षा की छात्रा दादूपुर की रहने वाली प्रियांशी शर्मा ने साइंस स्ट्रीम में 91% अंक हासिल कर जिले में तीसरा स्थान पाया है। प्रियांशी शर्मा ने 500 में से 455 अंक हासिल कर स्कूल के साथ क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। प्रियांशी ने बताया कि वो IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। प्रियांशी के पिता विपिन शर्मा ने बताया कि प्रियांशी से पहले उनकी बेटी साक्षी शर्मा व बेटा विवेक शर्मा भी कॉलेज के टॉपर रहे हैं। वहीं स्कूल स्टाफ ने बताया कि छात्र अक्षय कुमार ने 86%, शनि चौधरी ने 84% अंक हासिल किए हैं और हाई स्कूल में विद्यालय के आदित्य ने 83%, रोहित ने 82% अंक प्राप्त कर कॉलेज में पहला और दूसरा स्थान पाया है। वहीं कंकाखेड़ा के लाला मोहम्मदपुर गांव की कौशिक इंटर कॉलेज का कक्षा 12 का रिजल्ट 98% और 10वीं का रिजल्ट 80% रहा। परीक्षा में पास हुए छात्रों ने स्कूल में खुशी बनाई और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश कौशिक ने पास हुए बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। साधना रोड के सरस्वती शिशु मंदिर का कक्षा 12 का रिजल्ट 87% और 10वीं का रिजल्ट 94% रहा। स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश कुमार गुप्ता ने सभी पास हुए छात्रों को बधाई दी और उन्हें मिठाई खिलाई। वहीं परतापुर के कंचनपुर घोपला गांव के रहने वाले कक्षा 10 के छात्र हर्ष के 91.33% नंबर आए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर गांव में हर्ष का माहौल है। मेधावी छात्र हर्ष इंजीनियर बनना चाहते हैं। मुझे मेरे परसेंटेज से बहुत खुशी हो रही है। मुझे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी एक टीचिंग लाइन में जाना है। मेरे पापा भी टीचर हैं, मुझे भी बच्चों को पढ़ाना है। जैसे मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ऐसे और बच्चों का भी फ्यूचर बनाना है, मुझे टीचर बनना है। सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है। और सर जब भी टाइम मिलता है जब भी पढ़ लेती थी सर। बस मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस क्या मतलब क्या अचीवमेंट कर ली। लेकिन बस आगे मैं और अच्छे से स्टडी करूँगी, अपनी इससे भी अच्छा टारगेट बना के रखूँगी ताकि और अच्छे अचीवमेंट करूँ मैं। पढ़ाई में बच्चे हमारे अधिकांश काफ़ी टॉप की स्थिति में है, हर साल ही सभी हर साल के हैं। और ये लड़की से मुझे काफ़ी आशा थी कि अच्छे स्तर पर जाएगी, इसने रिजल्ट दिया ऐसा, इसी मुझे बहुत खुशी हुई है इस रिजल्ट से। तो इस बालिका ने विद्यालय का नाम रोशन किया और 91% इसके मार्क्स रहे हैं इंटरमीडिएट में। दूसरी विशेषता यह है कि शहर में तो बच्चों को संसाधन मिल जाते हैं सभी, वे ट्यूशन वगैरह अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन इस बच्ची ने कोई भी ट्यूशन नहीं किया, केवल अपने प्रयास से और आचार्यों के मार्गदर्शन से इसने मतलब इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। हो सकता है अगर इसको थोड़े और संसाधन मिलते तो ये और अच्छा स्टैंड कर सकती थी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने जिले में तृतीय स्थान प्राप्त किया है और इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों और अपने मम्मी पापा और भाई बहन सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि जिन्होंने घर के काम का बर्डन मेरे ऊपर नहीं डाला, बिल्कुल मुझे सब तरीके से छूट दी गई। लेकिन मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, बिना किसी कोचिंग के मैंने अपने सेल्फ स्टडी से ये अचीव किए हैं इतने मार्क्स 91% और जिले में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं 6 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की है और खासकर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हमारे सर ने भी, मिथुन सर ने।
बहुत अच्छा लग रहा है। उधर यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों में भले ही लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया हो, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट के मामले में पिछले साल के मुकाबले काफी गिरावट आई है। अब रिजल्ट के नीचे जाने के कारण तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार परीक्षा में सख्ती होने की वजह से रिजल्ट प्रभावित हुआ है, जबकि काफी छात्रों ने परीक्षा भी छोड़ दी थी, जिसको लेकर भी रिजल्ट पर असर पड़ा। बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बम्पर रिजल्ट रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो पास हुए उनके चेहरे खुशी से खिल उठे और वो कामयाबी की इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते हुए नजर आए। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया तो जिले के टॉपर को जानने वालों की होड़ लग गई। उत्सुकता ये जानने की थी कि कौन है वो होनहार जिसने जिले में नाम रोशन किया है, लेकिन इनसे अलग वो गुदड़ी के लाल जिन्होंने कम संसाधनों में कामयाबी की ऐसी इबारत को लिखा जो किसी के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं है। एसडी सदर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं में गुदड़ी के लालों ने कमाल कर दिया। मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालने वाले लोकेंद्र सिंह के बेटे सागर सिंह कक्षा 10 में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर गए। इसी के साथ ही आकाश गोयल के पिता चाय की दुकान करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट में कॉलेज टॉप करने वाले शिवम के पिता भी मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुल मिलाकर इन गुदड़ी के लालों ने ये दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और कुछ पाने की चाह हो तो संसाधनों के अभाव का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और कामयाबी आपके कदम भी चूमती है। टू माय पेरेंट्स, मेरे ट्यूशन टीचर, मेरे स्कूल टीचर और प्रिंसिपल और मेरे फ्रेंड्स, लक्ष्य बीएससी करनी है, आगे फिर एमएससी, फिर लेक्चरर। पिताजी तो हमारे खुदाई का काम करते हैं, लेबरर है, और मम्मी है हाउसवाइफ। अब 12th में बढ़िया नंबर लेकर आए, बिल्कुल जो स्कूल वालों का भी नाम हो, हमारे घर वालों का भी नाम हो। सर, मेरे लिए सबसे पहले मेरे गुरुजी, मेरे माता पिता और फिर भगवान है, इसलिए मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के सफल प्रयासों से मैं आज तक मतलब जो भी स्टडी में प्रॉब्लम हुई, इन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, और मेरी मतलब जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी उसको ये लाइटली लेते थे और मेरी हेल्प करते थे। मेरा सपना इंजीनियर बनना है, बीटेक से सीएस। स्कूल का रिजल्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का 100% रिजल्ट रहा, और हाई स्कूल का फर्स्ट टॉपर जनपद का हमारे विद्यालय को मिला, अभी तक जो मेरे सामने रिजल्ट है, और इंटरमीडिएट में सेकंड पोजीशन इस विद्यालय से रही। सीरियल जाए में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद डालेंगे नजर कुछ और खबरों पर।